यूं तो मंडी शहर की सीवरेज व्यवस्था की हालत आपसे छुपी नहीं है। आज हम आपको रामनगर वार्ड की सीवरेज व्यवस्था का अव्यवस्थित रूप दिखाने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिला मुख्यालय पर स्थित रामनगर वार्ड में विश्वकर्मा मंदिर परिसर से लेकर तहसील सदर कार्यालय तक आईपीएच विभाग द्वारा बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइंस जगह जगह से लीक हो रही हैं। मंडी शहर के रामनगर वार्ड में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है। यहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लीक होती सीवरेज की गंदगी ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। आईपीएच विभाग द्वारा बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन लोगों के लिए सुविधा की बजाय परेशानी का सबब बन गई है। लोग इस परेशानी से आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से जूझ रहे हैं। खुले में बहती गंदगी, वातावरण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याओं को दावत दे रही है। गर्मी के मौसम में प्राकृतिक जल स्रोत का पानी लोगों की प्यास बुझाता है, जबकि यहां सीवरेज की गंदगी पीने के पानी को भी गंदा कर रही है। मुंबई में इस टाइम जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज की। विश्वकर्मा लेके मंदिर से लेके तहसील तक सीवरेज की इतनी गंदगी है और हम चाहते हैं कि इस पाइप को और टैंकों को ठीक किया जाए। और जो खड्ड के किनारे मकान बने हैं उनको सीवरेज की कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए नई पाइप डाल के उन सीवरेज के पॉइंटों को किया जाए। और जो भी शायद मुंबई में गंदगी है या कुछ है तो उसका देख रेख सीवरेज विभाग से मिले कि पाइपों को बड़ा बनाया जाए। गर्मियों में देखो आप बाहर बैठने के योग्य नहीं है, इतने मच्छर, इतनी गंदगी, इतनी बदबू है कि आप बाहर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि नर्क में बैठे हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग और प्रशासन से मांग की है कि इस एरिया का सही तरीके से पुनः सर्वेक्षण करवाया जाए और दोबारा से पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। जो भी सीवरेज की गंदगी आती है वो नाले से होके सीधे खड्ड में जाती है, उसका सारा ये किया जाए, पाइपलाइन यहाँ से सीवरेज के लिए डाली जाए। उधर मंडी नागरिक अधिकार मंच भी लोगों की इस समस्या को लेकर वार्ड के लोगों के समर्थन में आगे आया है। वार्ड की सीवरेज और दूसरी समस्याओं को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन देने का भरोसा भी दिलाया गया है। विश्वकर्मा मंदिर से लेकर तहसील तक ऑलमोस्ट जितने भी मकान नदी के किनारे सुकेती खड्ड के किनारे पे स्थित है, इनके लिए सीवरेज कनेक्शन लेना अपने आप में एक मुश्किल बात बन गई है, असंभव बात बन गई है। जो लाइन इनके घरों के पीछे गली के बीच में से होके जा रही है वो हाइट में है, जो लाइन इनके सामने से ओवरहेड जो गवर्नमेंट की लाइन मेन सीवरेज की जा रही है वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लाइन एक तो नेकेड है, खुले रूप से वो पाइप वहाँ सामने से गुजरती है तो उसमें चैम्बर बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये घर है इनके लिए सीवरेज कनेक्शन जो है वो आज की डेट में ना तो उस पाइप लाइन से संभव है ना आगे वाली पाइप लाइन से। तो अभी तक तो जो हमें लगता है इन घरों की जो गंदगी है वो सीधे सीधे नदी में जा रही है, नदी से होके आके ब्यास दरिया में मिल रही है, जो कि एक गलत काम है। लेकिन इसमें इन लोगों का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, ये लोग बाध्य हैं इस चीज़ को करने में। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह रहेगा कि इसमें इनकी प्रॉब्लम को समझते हुए इस चीज़ को पाइपलाइन को दोबारा से डिज़ाइन किया जाए, यहाँ पे जिस ढंग से भी जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट जो है वो अपने इंजीनियर्स को भेज के यहाँ पे इन घरों के लिए एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि इनको वहाँ पे सुविधा हो कनेक्शंस लेने की। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि रामनगर वार्ड की जनता की गुहार प्रशासन के कान तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें सीवरेज की उचित व्यवस्था के साथ साफ व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।